बगैरत पूरी रात हमारा गर्दियां करता रहे, जैसे ही नमाज का टाइम हुआ वैसे ही सो गया। अबे यार अम्मी अभी बहुत टाइम है यार, सोने दो यार। उठ रहा है या बुलाऊं तेरे अब्बा को? बात बात पे इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई फिर आएंगे, वही चमाटा प्लेटिंग करेंगे, वही तमाशे करेंगे। अच्छा लगता है ना, वो उठ गया हूँ यार। शर्म नहीं आती तेरे को तेरे अब्बा का नाम लेते हुए? अच्छा दिल पे क्यों ले रही हो यार अम्मी, मजाक कर रहा हूँ यार। 2 मिनट के अंदर खड़ा हो जा, मैं बता रही हूँ। सलवार में नाड़ा ही नहीं है, उधर ही देख, दराज नहीं होगा, देख लिया नहीं है। अब्बा की सलवार से निकाल लिया नाड़ा यार। हाँ अब्बा की उसमें से चल नाड़ा निकाल लो, मैं अपने उसमें लगा दूंगा। तुम तो चुप ही करो और मुंह से ये पान निकाल के थूको, सुबह शाम पान मुंह में रख के बैठे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। और आप लोग जो है ना, बताते हैं ना, पूरा दिन मोबाइल में लगी रहती है। जा अपने अब्बा को नाड़ा ढूंढ के दे। अब इनको नाड़ा भी मैं ही डाल के दूं, पता नहीं है आने वाली टिकटॉक स्टार हूं मैं। 2 मिनट में खड़ी हो जा, मैं बता रही हूँ। ओए बात सुनना हुसैन। हाँ। 5,000 रुपए का नोट तो दे, मस्जिद के चंदे में डाल देगा। अभी तो कितनी बार चंदा डालेगा? 2 हफ्ते पहले तूने 10,000 रुपए लिए थे चंदे के, उसके अलावा ज़कात के अलग पैसे लिए, अब तू फिर चंदा देगा? अबे वो 10,000 रुपए की मैं तेरे लिए शर्ट लेके आ गया था। ज़कात? बराबर वाले पड़ोस नहीं है अपने सलीम अंकल, उन्होंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं था, बिना खाए बेचारे रोजा रख रहे थे। मैंने बोला अच्छा थोड़ी लगता है यार, मैंने उनको दे दी थी। तूने 10,000 रुपए की शर्ट ली थी? वो लुंडी देती शर्ट। ब्रो आज देगा तो फिर कल मिलेगा ना। अल्लाह की राह में तो देना चाहिए। अच्छा मैं देता हूँ, रुक देता हूँ। चल सही है, दे निकाल के। मेरा काम खुश हम मुझसे करवाते हैं। मुझे तो सलवार दे दो, क्या नंगा बेचने का इरादा है क्या? अब्बा जान ये ले, आपकी सलवार में नारा डाल दिया मैंने। अभी ये क्या नाला उल्टा डाल दिया तूने? तो अब्बा नाला सीधा डालो या उल्टा डालो कैसे पता चलता है? अबे तो नाला पीछे जेब आगे, कैसे उल्टा पहन के जाऊं क्या? अब्बा जीन्स में भी पीछे जेब होती है, कोई काम नहीं होता। एंड 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 नमाज के वक्त ही करते हैं ये लोग, कोई एक काम बेगम से होता है तो ये डालना पड़ेगा। इतनी बड़ी टिकटॉक स्टार नाला डाल के दे रही है, कुछ एहसास ही नहीं है मेरा। ईद मुबारक अम्मी। ईद मुबारक मेरा बच्चा, ईद मुबारक तमाम फैमिली ग्रुप को मेरी तरफ से ईद मुबारक। देखो यार अम्मी बहुत भूख लग रही है, नाश्ता दे दो भाई मुझे। तो ईद मुबारक तो बोल दे पहले, नाश्ता बन रहा है नाश्ता। हाँ ईद मुबारक नहाने जा रहा हूँ। शबाना जल्दी चाय रखने में आ रही हूँ जल्दी से। Assalamualaikum.
मुबारक भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक। आ जाए अंदर आ जाए, बस खाना ही बना रही थी मैं। अंदर बैठे में जी? जी अंदर बैठे में। सही है बात सही है। मुफ्त के कलेजी उतारने के लिए आ जाते हैं पड़ोसी, वैसे तो याद आजा शबाना जल्दी। गरीब मियां क्या आ रहे हैं आपके? आओ बैठो, ईद मुबारक। अरे इम्तियाज मियां साहब, ईद मुबारक मुंजो भाई। ईद मुबारक। बैठो 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 मेरा बच्चा, खड़ा हो गया तो ईद ही देनी पड़ेगी। और सुनाओ मियां, बताओ क्या हाल चाल है? सुना इस बार तुमने दुकान से टाइट सेले मारी है? अरे नहीं, अल्लाह जो करमा भा, मालिक जो एहसान, सारा खर्चा पानी निकल कर 12 लाख का मुनाफा मारा है। माशाल्लाह। तो अंकल आपने ज़कात के पैसे क्यों लिए थे? अरे तोबा, मेरे मालिक, ऐसे गुनाह से मुझको बचाना। ज़कात ले मेरे दुश्मन, ये अपने भाई इश्तियाक से पूछना, ये भी मुझसे पैसा लेके गया था। इसकी कोई दोस्त वो उसको ज़कात देनी थी, इसके दोस्त को ज़कात भी मैं नहीं दी थी, तूने बताया नहीं। मैं निकलता हूँ फिर, हैं फिर मिलते हैं। बात सुनना जरा, आप कहाँ जा? मैं भी आता हूँ भाई। आप दोनों भाई मोहब्बत बहुत करते ना, बच्चे को पता है।